नमस्कार देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण घटना सहित आपण मानक स्वागत करुच्ची मु अनी शतपथी। दर्शक बंधु, पाकिस्तान चीन ठारु अधिक संख्यारे ड्रोन किणी खबर प्रकाश पाइबा परे एबे देशर सुरक्षा एजेन्सी गुड़िक हाई आलर्टे अछन्ति। पाकिस्तान संभवतः भारतीय अंचल भितरे अस्त्रशस्त्र एवं गोला बारूद पकाइबा एवं आतंकवादी कार्यकलाप पई एगुड़ी व्यवहार करिपारे बोली देशर गुइंदा संस्था अति विश्वस्त सूत्ररु तथ्य प्रमाण सहित खबर संग्रह करिबारे समर्थ होइछन्ती। तेबे सोमवार दिन अपराह्नरे आबुधाबी विमानबंदर निकटरे एक संदिग्ध हाउ ड्रोन आक्रमणरे दुई जन भारतीय एवं जने पाकिस्तानी नागरिकंकर मृत्यु एवं अन्य छह जन आहत हेबा परे सुरक्षा एजेन्सी पक्षरु एही हाई अलर्ट को जारी करा जायछि। तबे एही घटना परे देशर सुरक्षा एजेन्सी गुड़िक एबे आशंका करुछन्ती जे पाकिस्तान मध्य भारतरे समान ढंगरे ड्रोन सहायतारे गुरुत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को टार्गेट करिबाकु चेष्टा करिबो। भारतीय गुइंदा एजेन्सी हातरे लागिथिबा दस्तावेज अनुजाई पाकिस्तान चीन रु विपुल संख्यारे किणिथिबा नूतन उन्नत ड्रोन वर्षा ऋतुरे मध्य उड़ी परिबो। एहि ड्रोन गुड़िक भूमिठारु 800 मीटर उच्चतारे एक समय 15-20 किलोमीटर पर्यंत उड़ी परिबो। पुणी एहि ड्रोन गुड़िकर डिजाइन एपरि बागरे तयारी होईछि जे एगुड़िकु राडार रे धरा जाई परिबो नाही बोली एहि रिपोर्ट रे कुहा जाईछि। उल्लेखयोग्य पंजाब सीमारे निकट अतीतरे सीमा पार अस्त्रशस्त्र एवं विस्फोरक परिवहन पई ड्रोन व्यवहार हेतु सुरक्षा एजेन्सी गुड़िक कठोर आह्वान सम्मुखीन होइछंती। एजेन्सी रिपोर्ट अनुजाई पंजाब सेक्टर भारत पाकिस्तान सीमारे प्रायतः 60 ड्रोन घटना सुरक्षा बाहिनी नजरक आसी। एगुड़िक मध्यरु अनेकंकु सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF गुली करी खसाई देछि। निकटरे एक प्रतिष्ठित गणमाध्यम प्रकाशित एक रिपोर्ट रे जहां दर्शाई जे पाकिस्तान रो इंटर सर्विसेस इंटेलिजेंस देशरे चलिथिबा 5 राज्य निर्वाचन प्रक्रिया को बाधा देबा पई पंजाब एवं उत्तर प्रदेश रे एहार आतंकवादी संगठन को सक्रिय करिछि। तबे सुरक्षा एजेन्सी सूत्र आधार रे उक्त रिपोर्ट रे कहा जाइछि ISI समर्थित सिख आतंकवादी गोष्ठी निर्वाचन रैली को टार्गेट करि परंती एवं बड़ राजनैतिक नेता मानक आक्रमण करने को चेष्टा करिपरंती। ISI अंतर्जातीय सिख युथ फेडरेशन बब्बर खालसा इंटरनेशनल परि सिख उग्रवादी गोष्ठी को पाकिस्तानी हैंडलर माध्यम रे पंजाब रे अस्त्रशस्त्र एवं विस्फोरक व्यवस्था करने को निर्देश मध्य मिली। चीन सहित विभिन्न पर्यायर आलोचना सत्वे एवं भी केतेक अंचल चीन रो सेना माने पछकु फेरिबार ना धरुनाहंती। आउ दृष्टि रखि भारतीय सेना मध्य सर्वाधिक सतर्क करि देछि। भारतीय सेनार उत्तरांचल कमांडर मुख्य बा कमांडर लेफ्टनेंट जनरल YK जोशी कहिछंती जे ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड एबे बी जारी रहिछि। 2020 जून रे चीन सेना सहित गलवान संघर्ष हेबा परे भारतीय सेना चीन सैन्यक अनुप्रवेशर मुकाबिला करिबाकु ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड आरंभ करिथिला। गत 2 वर्ष मध्यरे चीन सहित आलोचना परे केतेक अंचलरु शांतिपूर्ण भावरे सैन्य अपसारण मध्य करा जायथिला, किंतु एबे भी केतेक अंचलरे चीनी सेना रहिचंती। आउ एहाकु दृष्टि रखि भारतीय सेना मध्य LAC रो विभिन्न बरफावृत अंचलरे सतर्क रहिछि एवं एहा सहित चीन गतिविधि उपरे मध्य तीक्ष्ण नजर रखिछि। श्रीनगर ठारे थिबा उत्तरांचल कमांडर इन्वेस्टिचर समारोह रे जोगदे से एकथा कहिछंती। से कहिछंती शत्रुपक्षर षडयंत्र को भारतीय सेना सफलतार सहित मुकाबिला करिचारिछि। से आहुरी मध्य कहिछंती जम्मू एवं काश्मीर लोकमाने आतंकवाद को आदौ पसंद ही करुनाहंती, एथिपाई गत वर्ष आतंकवादी कार्यकलाप संख्या ह्रास पाई। तेबे दर्शक बंधु, यही भाव में भारत एवं चीन रो सीमा भितर लग रही तिक्तता। भारत एवं चीन उभय देश निजक यही रणक्षेत्र प्रस्तुत रखिंट, किंतु युद्धर यह संभावना को दुईट जाक देश एड़े निहाती आवश्यक अटे। ए संपर्क में आपणकर कौन रही मतामत आम को कमेंट बॉक्स में लिखिकी जनवा सहित वीडियोटी को लाइक करूँ। यह सहित देश विदेशर यही किसी गुरुत्वपूर्ण अपडेट न्यूज जानापी आम चैनल DTV ओडिया को सब्सक्राइब निश्चय करूँ। धन्यवाद। केमिति कटिबो 2022 समस्यारे आपणको भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान केमिति रहिबो
मेष ठारु मीन राशि पर्यंत भाग्य फल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2022 भाग्य फल 2022 भाग्य फल केवल डीटीपी ओडिया रे। नमस्कार देश विदेश रो खबर सहित आपन मानको स्वागत करूची मो अनि दर्शक बंधु भारत सहित चीन रो सीमा विवाद अफगानिस्तान उपरे तालिबान रो कब्जा अमेरिका भारत जापान रूस सहित संपर्क वृद्धि एही बळे किछि देश विदेश रो खबर सहित मु आसुची आपन मानको पखकु आपन माने अमर एही देश विदेश रो खबर को देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं अन्य मानको सहित शेयर निश्चय करंतु डीटीपी ओडिया देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।